प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। सबसे पहले वह वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे और इसके बाद रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन और कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वह उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। अपने दौरे से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज होने जा रहे इन कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। इन परियोजनाओं से वाराणसी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में और तेजी आएगी। आज दोपहर करीब 1:30 बजे वाराणसी में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने के साथ ही 16 अटल आवासीय विद्यालयों के उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह का भी हिस्सा बनूंगा। पीएम के पहुंचने से पहले स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी और सचिव जय शाह सहित कई क्रिकेटर वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण आधुनिक विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम होगा। वाराणसी के गांजी राजतालाब में बनने वाला आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला की प्रेरणा भगवान शिव से ली गई है, जिसमें अर्ध चंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था, बेलपत्र के आकार की धातु की चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं। इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।